वेलकम टू डिजिटल टू स्पोर्ट्स। और आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इस श्रृंखला में दूसरा मुकाबला होने वाला है उसके बारे में। और इसके लिए बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए मेरे साथ है अश्विन एंड निषाद। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के मैचेस की बड़ा इंतजार होता है, लेकिन बारिश का सीजन है तो छाता लेकर चलना पड़ेगा। पिछला मुकाबला भी कुछ ऐसा ही हुआ था हमारा, बट अश्विन एवरीवन गियर्ड अप फॉर दिस नेक्स्ट एनकाउंटर। एब्सोल्युटली, कभी भी भारत और पाकिस्तान का मैच हो तो उसका एक रोमांच अलग ही होता है। मतलब दर्शक भी वेट करते हैं और सारे प्लेयर्स भी एक दूसरे को उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहते, बिकॉज उसके अराउंड इतना ज़्यादा तामझाम होता है कि उसका एक अलग ही मज़ा होता है। बिल्कुल। तो बस प्रतीक्षा ये है कि बारिश ना हो और मैच हो। यस, और ये मुकाबला एक बार हो चुका है श्रृंखला में, लेकिन अब निषाद मुकाबला होने वाला है आर प्रेमदासा मैदान पर, जहाँ पर सारे मुकाबले अब कोलंबो शिफ्ट हो गए हैं। और आर प्रेमदासा के स्टेडियम में इसके पहले भी भारत और पाकिस्तान ने मैच खेले हुए, एक मेरे ख्याल से बारिश के कारण रद्द हुआ था और एक ये 2004 में पाकिस्तान जीते थे। मगर पिछले लास्ट 10 मुकाबलों में जो भारत जो प्रेमदासा में खेले गए, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 252, एवरेज विनिंग स्कोर बैटिंग फर्स्ट 257, और आप देखें तो स्पिनर्स का एक पदड़ा भारी है 62%, यानी कि ये विकेट ना स्लोअर साइड पे है। Correct. मगर बल्लेबाजों ने थोड़ा अपने आप को अप्लाई किया ना तो आप चेज भी कर सकते हैं। एंड यू लुक एट दैट, बैटिंग फर्स्ट 50% विंस, बैटिंग सेकंड 50% विंस। तो मेनली जो है स्पिनर्स ऑब्वियसली रूल, बट अगर बल्लेबाज भी थोड़ा अपना समय बिताए ना तो रन आ सकते हैं। अश्विन, यहाँ पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर एट प्रेमदासा इज डिफरेंट ना, दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। सो लेट अस सी हाउ दैट वर्क्स आउट, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ टेस्ट फॉर ऑल द बैटर्स ऑफ बोथ द टीम्स। एब्सोल्युटली, वैसे भी मतलब पहली बार दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में यहाँ पर खेलेंगी तो एक नई पिच होगी, और उसमें भी जनरली श्रीलंका के विकेट में स्पिनर्स को फ्रेंडली होती है। यहाँ भी आप देखेंगे कि तकरीबन 90 विकेट्स अभी तक 10 मैचों में स्पिनर्स को गए, तो 62% चांसेस हैं कि स्पिनर्स का थोड़ा सा बोलबाला होगा। और कुलदीप और जडेजा हैं वहां भी, आपके पास शादाब खान और नवाज हैं, तो बहुत कड़ा मुकाबला होगा। लेकिन लो स्कोरिंग, जैसे निशा ने कहा बिल्कुल ठीक, कि अप्लाई करना होगा। पिछले 5 मुकाबलों की अगर हम बात करें तो निशाद, ये पता चलता है कि ऑफकोर्स वो पलक किले का जो 2 सितंबर का मुकाबला है, बारिश के हत्ते चढ़ गया, इट वाज गोइंग प्रीटी वेल, इंडिया हैड टू डू अ रेस्क्यू एक्ट। बट उसके पहले के अगर मुकाबले देखें तो 16 जून 2019 वाला मुकाबला भी भारत ने डकवर्थ लुईस के हिसाब से ही जीता था। हाँ, और वो मुकाबला जो है उसके 4 साल बाद वो पिछला मुकाबला आया था, तो काफी अरसे बाद वनडे क्रिकेट खेल रही है दोनों टीम, तो ये हेड टू हेड देखकर एक अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। मगर टीम काफी बदल गए, मैं मेनली करके पाकिस्तान टीम का जो एक रुख है वो बदल गया है कंपेयर्ड टू द 2019 टीम, वेरी डिफरेंट नाउ, वेरी डिफरेंट। बट विल द रिजल्ट बी डिफरेंट फॉर पाकिस्तान, बिकॉज दे हैव वन ओनली वन मैच आउट ऑफ द लास्ट 5 वनडे एनकाउंटर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, उसकी याद मत दिलाओ यार, वो 2017 वाला मैच था। बट अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्क्वाड के बारे में, बट इंडिया इज लीडिंग 3-1, दैट डज गिव अ बिट ऑफ एडवांटेज। देखिए, कई बार 3-1 या हिस्टोरिकल डेटा उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितने करंट फॉर्म होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी जो है ना बिल्कुल रेड हॉट फॉर्म में चल रही है पाकिस्तान की टीम, उनके पास जबरदस्त स्पेस है, बैटिंग भी क्लिक कर रही है उनकी, बाबर आजम आपके विकेट कीपर बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, ऊपर टॉप ऑर्डर भी बहुत बढ़िया है। लेकिन जो पेस की बात मैं आपसे कर रहा था, शाहिनशाह अफरीदी बिल्कुल एक जबरदस्त रूप का जो चेंज लाए हैं पाकिस्तान में ऑफ लेट, और मैचेस जो जीत रहे हैं वो इस शख्स की बदौलत। यहाँ पर हम बात कर रहे थे स्पिन की, लेकिन शाहिनशाह अफरीदी का जो परफॉर्मेंस है भारत के विरुद्ध वो तो मतलब बेहतरीन से बेहतरीन होता जा रहा है। जी, बहुत ही, क्योंकि ये उनका सिर्फ दूसरा मुकाबला था भारत के सामने, जो पिछला मैच खेला गया था पल्ले केले में, और उसमें उन्होंने 4 विकेट लिए थे। इससे पहले एक ही ओडीआई खेले थे जो था एशिया कप 2018 के दौरान, उसके बाद हमने ऑफकोर्स उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2021 में देखा जब उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी भारत के विरुद्ध। सो अफरीदी बल्कि सिर्फ भारत के विरुद्ध ही नहीं, वो बल्कि ओवरऑल बहुत अच्छे फॉर्म में है, सारे टीम्स के सामने वो इंपैक्ट कर सकते हैं। अश्विन, शाहीन शाह अफरीदी लाइक्स टू बोल टू द इंडियंस, स्पेशली द टॉप ऑर्डर, लेकिन बारिश का अनुमान है, हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, इट कैन बी लवली कंडीशंस फॉर पेस बॉलिंग ऑल्सो, इट इज। और शाहिनशाह अफरीदी में देखा कई बार स्लो विकेट में भी इतनी जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, टॉप ऑर्डर को बहुत परेशान किया है भारत के, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल को पिछले मैच में हमने देखा। अगर रोहित शर्मा के साथ उनका हेड टू हेड देखा जाए, 2 इनिंग में 27 रन दिए, तकरीबन उन्होंने 6 ओवर किए, 1 बार उन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया है। तो शाहिनशाह एक एक्स फैक्टर है पाकिस्तान टीम में, जो किसी भी कंडीशन में विकेट लेने में कामयाब हो सकते हैं, और भारत को थोड़ा सा संभालना होगा, क्योंकि जब हम पिछले मुकाबले की बात करते हैं निशाद, तो
इट वॉज द रेस्क्यू अटेम्प्ट ऑफ हार्दिक पांड्या एंड ईशांत किशन, जो भारत को थोड़ा सा उस पार लेकर गया, वरना भारत की नैया जो है वो बीच मझधार में डगमगा रही थी जी। और जिस प्रकार उन दोनों ने बल्लेबाजी की थी, एकदम क्रूशियल स्थिति में साथ में आए थे। ईशान किशन को नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला क्योंकि केएल राहुल इंजर्ड है जी, इंजर्ड थे रादर, और 82 ऑफ 81 करके उन्होंने ये बताया कि वो पारी को संभाल भी सकते हैं, अटैक भी कर सकते हैं। और हार्दिक पांड्या अपने वो मैच्योरिटी को बरकरार रखते हुए उन्होंने बल्कि शुरुआत में ईशान किशन का साथ दिया। ईशान किशन ज्यादा डोमिनेंट थे, तो वैसी टाइप की बल्लेबाजी हमें मिडिल ऑर्डर से देखनी है। लेकिन पाकिस्तान के पास 3 तेज तर्रार गेंदबाज है जिन्होंने 10 के 10 विकेट निकाली है आपस में ही व्हेन दे प्लेड अगेंस्ट इंडिया। स्क्वाड्स पर जब हम नजर डालते हैं तो पाकिस्तान के लिए दे रियली एज यू सेड दे आर इन रेड हॉट फॉर्म। और क्या अश्विन यहां पर पाकिस्तान वही स्क्वाड भारत के विरुद्ध इस दूसरे मुकाबले में उतारेगी? बिल्कुल, मुझे लगता है कोई चेंज की जरूरत नहीं है। ऑफ लेट मैचेस जीतते आ रहे हैं तो आप अपने प्लेइंग 11 को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसी से खेलेंगे। मुझे लगता है पहले भारत के साथ भी खेले, पिछले मैच में भी जबरदस्त प्रदर्शन रहा उनका, बांग्लादेश के साथ एक बार कंफर्टेबल विन मैं कहूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंज होगा। वही आप टॉप ऑर्डर बिल्कुल सेट है, वहां पर फखर जमान आपके साथ, इमामुल हक आते हैं, फिर 1 डाउन 2 डाउन आपके बिल्कुल बाबर आजम से लेके इफ्तिकार अहमद तक, और लास्ट में शादाब खान भी पिंच हिटिंग का काम करते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई चेंज होगा। पाकिस्तान मे नॉट चेंज एनी पर्सन इन दैट स्क्वाड विच प्लेड अगेंस्ट इंडिया, वॉट अबाउट इंडिया? क्या क्यों भारत के टॉप 3 सब गड़बड़ हो गया था, टॉप 4 इनफैक्ट, उसके बाद जाकर ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने बचाया, तो क्या कुछ किया जा सकता है? जी, अभी इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि अगर केएल राहुल फिट है तो क्या निर्णय लिया जाएगा, यही एक सवाल है। उन्होंने बोला था पहले 2 मैच के लिए, अब ये तो अगला मैच हो गया उसके। हाँ, और हाल ही में एक वीडियो भी आया था जहाँ उन्होंने ढंग से ट्रेनिंग भी वापस शुरू की है, तो क्या अभी अगर उन्हें मौके मिलने वर्ल्ड कप के जाने में जाने से पहले, तो अभी मिलना है, अभी मिलना है, और अभी मिलना है। और इसके बाद भी जो भारत को वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन के ध्यान रखते हुए आप ये चाहेंगे ही एटलीस्ट हैज सम मैचेस। यस, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी सी वीक लिंक भारत की, मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर की जो रही है शॉर्ट बॉल, थोड़ा सा उनका एक वीकनेस फैक्टर जो बाहरी टीम बहुत भरपूर बना रही है, तो कहीं वो कहीं चेंज करना चाहेंगे। थोड़ा सा तिकड़मी क्वेश्चन है, मैं मतलब जवाब होगा मैं जानता हूं, लेकिन मुझे लगता है शायद श्रेयस अय्यर एक वीक लिंक है भारतीय टीम में। लेकिन तिकड़म लगानी होगी हम सभी को मौसम के बारे में, क्योंकि वेदर फोरकास्ट जो है इट्स नॉट रियली वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। एक मौसम पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, व्हाट्स द फोरकास्ट फॉर वेदर एट कोलंबो? Now that is going to be interesting, क्योंकि इसके पहले का मुकाबला भी बारिश के हद तक चढ़ गया था। 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होने की संभावना है कल प्रेमदासा स्टेडियम में। 10 किलोमीटर पर आर के हिसाब से हवाएं चलेंगी, 84% ह्यूमिडिटी, और वो जो बारिश है ना उसके नीचे सिर्फ 2 डॉट नहीं, उसमें लाइटनिंग भी देखो है निशाद, गड़गड़ाहट के साथ बिजली जी। और होप यही करते हैं कि हमें वो अगर कोई गड़गड़ाहट देखने मिले, कुछ थंडर देखने मिले, तो ऑन फील्ड देखने मिले, बल्ले और गेंद के बीच में जो कुछ भी एक कंपटीशन होगा उसका हमें देखने मिले, नॉट Yes, वैसे एक अलग प्रावधान किया गया है मौसम के कारण, बिकॉज कोलंबो देयर इज अ फोरकास्ट ऑफ हेवी रेन्स एंड इंटरमीटेंट रेन्स प्रॉब्ली इन बिटवीन, बट बिट ऑफ थंडर स्टार्स ड्यूरिंग दिस मैच। एक रिजर्व डे भी रखा गया है, रिजर्व डे फॉर अ लीग मैच, It's quite surprising. देखिए सरप्राइजिंग तो है, लेकिन आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का गेम हमेशा बड़ा होता है, तो उसके लिए शायद ये निर्णय लिया गया कि ये एक तरह से वर्चुअल सेमीफाइनल होगा मुझे लगता है, तो उसी के चलते एक रिजर्व डे रखा गया है। तो जो प्रावधान आपने रखा है वो इसलिए कि मैच देखने मिले दर्शकों को और मजा आए, गड़गड़ाहट हो जैसे आपने कहा मैदान में हो, और अगर बाहर होती है तो उसके लिए रिजर्व डे। एग्जैक्टली, तो टेंशन मत लीजिएगा, अगर कल मुकाबला होता है नहीं होता है तो उसके लिए रिजर्व डे भी रखा गया है। लेकिन चलते चलते आप दोनों से मैं प्रेडिक्शन लेना चाहूंगा, क्योंकि हमारा ये मैच प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन सेगमेंट है, तो क्या कहते हैं आप, भारत पाकिस्तान बारिश, मतलब मैं ऑप्शन दे रहा हूं। हाँ, मुझे लगता है बारिश का एक बोलबाला बहुत बड़ा होगा। ओहो, लेकिन बारिश का मतलब नो रिजल्ट? कुड बी मुझे लग रहा है, बट अगर मैच हुआ हाँ तो गट फील इंडिया। ओके, मुझसे अगर पूछे तो मुझे लगता है कि दोनों टीम में अगर दोनों कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है पाकिस्तान का पलड़ा थोड़ा भारी है, थोड़ा सा, तो 55% पाकिस्तान 45% भारत, मैं कहूंगा। क्या बात, थोड़ा नाराज होंगे भारत दर्शक, लेकिन ये प्रेडिक्शन तो पहले मैच के दौरान मैंने पाकिस्तान कहा था, मगर पता नहीं इस बार मुझे लग रहा है कि इंडिया। ओके, कोई बात नहीं, आप क्या कहेंगे पंकज? मैं कहूंगा 51 पाकिस्तान 49 इंडिया, नहीं सॉरी 49 इंडिया
49 पाकिस्तान और 2% जो है वो बारिश। वाह, मैथमेटिकली तो बैलेंस कर दिया तुमने। थैंक यू गाइस, थैंक यू निशा, थैंक यू अश्विन, और ये था हमारा प्रेडिक्शन सेगमेंट फॉर द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। आप यूं ही डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर बने रहिएगा हमारे साथ। लेट्स एंजॉय सम फैंटास्टिक क्रिकेट।